अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी मैं बाहर गई थी तो सूची के खेमा लेके आऊँ, तो अभी खेमा लेके आई हूँ। देखिए तो खैमा लेके आई हूँ, बकरे का गोश्त है ये 1.25 किलो, 750 ग्राम है ये बकरे का गोश्त। तो देखिए हाथ का है ये, मशीन का मैं बिल्कुल नहीं खाती। मशीन में खैमा बना के लाती ना वो जिगीट आ जाता है। देखिए बहुत जगह आजकल बहुत मशीन चल रही है, उसमें का नहीं खाना, बहुत गलीजागी रहती है उसमें। हाथ से बना के खैमा खाइए, सेहत भी अच्छी रहती है हमारी। वाइट राइस भी बना लेंगे हम। तो इसे पक्के 4-5 हरी मिर्ची भी डालेंगे, टेस्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। नारियल भी एक फोड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे दो ये क्या सेपरेट, एक ग्रेवी के लिए एक खैमा के मसाले के लिए। मैं लहसुन चप्पा जब फ्रेश छिलके डालती हूँ, पीस के रखा हुआ था भी मैं नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे मटन में बिरयानी में सब फ्रेश अदरक लहसुन पसंद है इसके लिए, और सालना बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। नारियल भी मैं तभी फोड़ के डालती हूँ, बिल्कुल फलका भी नहीं डालती, अच्छा नहीं रहता टेस्ट। इस तरह डालने से ग्रेवी बहुत अच्छा बनती है। तो प्याज भी हम काट लेंगे। तो अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आपको जितना चाहिए आप कर सकते हैं। तो मैं 1.5 स्पून मिर्ची काटा, 1/2 स्पून हल्दी, धनिया का बुट्टा 2 स्पून, कश्मीरी लाल चिली पाउडर तीखा लाल कलर के लिए, इतना ही डालती हूँ मैं मसालों में। तो मैं खीमा धोने के लिए भी हल्दी से धोती हूँ, बिसान बास नहीं आती अच्छी तरह से, जो भी इसमें बिसान बास रहती है वो चली आती है। अच्छी तरह से हल्दी डाल के खीमा को धो चुकी हूँ, मटन खीमा। अभी मैं इसका पानी निकालने के लिए इस तरह से छोटी प्लेट लेके इस पे वजन रखूँगी, ताकि ये मसाला और पीसने में ईजी हो जाता है। इस तरह से देखिए नीचे मैं झड़ी रखो, ऐसा नीचे एक रखी हूँ, इसका पानी पूरा अब्जॉर्व हो जाता है ऐसा, ताकि इसका पानी जो भी रहता निकल जाता है। खीमा बनाने के लिए जो कोफ्ते बनाते हैं ना उसके वास्ते मैं फुटाने लहसुन और खती में थोड़ी सी 4-5 हरी मिर्ची, ये जो मसाला है खीमा बॉल बनाने के लिए। तो यहाँ पर ग्रेवी के लिए कतिमीर, काली मिर्च, लौंग, चकला, लहसुन, अदरक और थोड़ी सी प्याज और 3 टमाटर और कच्चा खोपरा अभी फोड़ी हूँ फ्रेश वाला। तो इसीलिए मैं लहसुन अदरक को ज़्यादा छिलके नहीं रखती है, मैं फ्रेश वाला खाना पसंद करती हूँ। यहाँ पर मसाले में ये बघार के लिए जो अभी मैं ग्रेवी बघारूँगी, मिर्ची कटा, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची कटा, ये आके कश्मीरी लाल तीखा लाल, 2 आलू। चलिए इसको बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इसको पीसूंगी इसे, अभी इसमें मैं नमक भी डालूंगी, ये खीमा का मसाला पीस रही हूँ पाउडर बना के, उसी में मैं ये तीनों को भी डाल के पीस लूंगी। तो मैं फुटाने डाल के इस तरह से पाउडर बना चुकी हूँ, अभी इसी में मैं मिर्चों को भी डाल दूंगी, इसका तीमिर को भी और लहसुन को भी, अभी इसे भी मैं पीस लूँगी। तो अभी मैं मसाला पीस चुकी हूँ, ड्राई ड्राई हो चुका है, तो इसी मसाले में मैं ऐड करूँगी ये जो है मटन कीमा बॉल बनाने का मसाला रेडी हो चुका है, इसे हम एक साइड में रख देंगे। अभी ग्रेवी का मसाला भी साथ साथ में बना लूँगी।
तरह से मसाला मिक्स करके नमक और मिर्ची इसको लेने तक हम ग्रेवी का मसाला भी रेडी कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाई हूँ, इसमें सिर्फ खत्ती मिर्च डाली हूँ और प्याज, इसको भी मैं सेपरेट से पीस लूँगी। लौंग, चकला, काले मिर्च इसको डालेंगे और कोकोनट भी इसी में डालूँगी, कच्चा खोपरा और टमाटर पूरा मिला के इसमें पीस लूँगी। ग्रेवी के लिए बस कुकर को चढ़ा दिया है, अभी मैं कुकर में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मसाला फ्राई करने के लिए। प्याज को हम थोड़ा सा पिंच करेंगे, अभी अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूंगी। अच्छी तरह से हम अदरक लहसुन को भून देंगे पत्ती को जाने तक। कट करके डालूंगी, इसमें टेस्ट तो अच्छा आता है। अभी अदरक लहसुन सारा पक चुका है, अब हम सारे मसालों को डाल लेंगे। तो अभी ये हटांको और आलू की रोटी डाल देंगे। तो अभी अच्छी तरह से मसाले में भून लूंगी। ये पकने के लिए थोड़ा सा पानी एक स्पून डालूंगी इतना सा, ताकि कुकर का मसाला ना पकड़े, इसीलिए खुल के पकने के लिए एक स्पून पानी मिला रही हूँ मैं। अभी मैं नमक को भी डालूंगी, मैं कुफ्ता बाल में भी डाली हूँ, इसमें ग्रेवी में देख के डाली है। ग्रेवी बनाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, अगर आप स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अभी से मैं बोल देती हूँ। ये आप पूरे वीडियो देख के बनाइए, अच्छी तरह से पकता है। अभी मैं कुकर का ढक्कन नहीं लगाऊंगी, इसी तरह से पकाऊंगी। यहाँ पर हमारा चावल भी बन रहा है, साथ साथ में मैं वही ट्रेस बना रही हूँ आज। जो हरिया मसाला पीस के रखी थी वो भी डाल दूंगी, जो मिक्सी में मसाला लग के रहते उसे डाल दिए, जो पीस के रखी थी उसे भी मैं डाल दूंगी पकने के लिए। इस तरह से पकाने से आपके साले में घुलेंगे भी नहीं, ये सेपरेट से अच्छी तरह से पकाने की जरूरत नहीं है। दो मिनट के लिए हम पैन गरम कर लेंगे। एक एक बार खेमे में चर्बी ज़्यादा हो गई तो ग्रेवी में फूट जाते हैं ये, इसलिए मैं ऐसा करके डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं पैन में इस तरह से कुफ्ते पका लेती हूँ, कुफ्ते बॉल। तो यहाँ पर पका के मैं ग्रेवी में डालती हूँ। यहाँ पर मैं आलू और मसाला पका रही हूँ, एक सीटी के लिए काफ़ी है, तो गैस बंद कर दूँगी अभी मैं। तो अभी ये पक चुके हैं, इस तरह से मेरा बनाने का स्टाइल है। देखिए यहाँ पर ग्रेवी बन रही है, आपको जितना पतला और ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो कुफ्तियाँ को मैं हिमा बाल को उठा के इसमें ट्रांसफर कर दूँगी। दो मिनट नमक चकल में, दो मिनट में इसी तरह से पकाऊंगी, बाद में दो सीटी लगा लूँगी। साथ साथ में मैं थोड़े से शामियां भी बना ली थी, देखिए बहुत टेस्टी बने हैं ये। इसकी रेसिपी है, आप चाहे तो मेरे वीडियोस में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मसाला पक चुका है खेमा का, मज़ेदार सा। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाने वाली ही थी, देखिए देखिए आप कुछ पक चुका है। यहाँ पर इडली बन रहा है, इड खाते हैं हमारे घर में खासकर, ऐसा कोई भी ग्रेवी अच्छा बना हो तो सॉफ्ट ऊपर से कड़क, बहुत टेस्टी बना, नहीं खाने वाले भी खाते हैं इस तरह से बना के देंगे तो बच्चों को बड़ों को। यहाँ पर गर्मा गर्म खीमा का सलना और गर्मा गर्म मीट के साथ सलना भी रेडी है, अभी हम डिनर करेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे कमेंट्स। रागी बाल कौन कौन खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।